सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उम्मीद जिंदा रखिए दोस्तों, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगी। अकेलापन हमेशा आपको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से परिचय करवाएगा और वो व्यक्ति है स्वयं आप। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। आज का पंचांग 15 मई 2021, दिन शनिवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृगशीर्षा नामक नक्षत्र सुबह 8:49 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:06 से 10:44 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 15 मई 2021 दिन शनिवार। पिछला घटनाक्रम कुछ ऐसा रहा है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है, इसके चलते आज कोई भी काम खुशी से और संतोषजनक ढंग से पूरा नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भी मिलेगा जिसकी नकारात्मक टिप्पणियों से आप और भी निराश महसूस करेंगे, लेकिन चिंता ना करें, यह अस्थायी चरण है और आप जल्दी ही अपना आत्मविश्वास वापस पा लेंगे। किसी संबंधी द्वारा शुभ सूचना मिलने से वातावरण सुखद रहेगा। कोई धार्मिक गतिविधि भी हो सकती है। घर के वरिष्ठ सदस्यों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन द्वारा आपका कोई महत्वपूर्ण काम संपन्न होगा। पैसों की आवक जावक में संतुलन बना रहे, लेकिन अपनी जरूरत से अधिक पैसों का निवेश करने के कारण आर्थिक तनाव महसूस हो सकता है। निवेश के साथ साथ अपनी महत्वपूर्ण जरूरतों को भी ध्यान में रखकर भविष्य में निर्णय लेना होगा। पैसों के द्वारा आज आपको थोड़ी अस्थिरता महसूस होगी, लेकिन समाधान भी प्राप्त होगा। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को दूर की सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे। आपके चिड़चिड़ा स्वभाव का असर रिलेशनशिप पर ना होने दें। एंजाइटी की तकलीफ बढ़ सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, पड़ोसियों के साथ किसी भी बात को लेकर वाद विवाद में ना पड़ें, समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाएं। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा आ सकता है जिसकी वजह से गड़बड़ा जाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी। घर में सभी सदस्यों का आपस में सहयोगात्मक और सामंजस्यपूर्ण व्यवहार रहेगा। आपकी पुरानी साथी नई बनने की कोशिश कर रही है, आपको उन्हें एक मौका देना चाहिए और दूरियों को दूर करने की उनकी कोशिशों की भी कद्र करनी चाहिए, लेकिन ऐसा करते या भी तो उन्हें महसूस करवा ही देगी जो गलतियां वे पीछे कर चुके हैं। आप उन्हें जानते हैं और वे दोहराई नहीं जानी चाहिए। बात करते हैं करियर की। अच्छा, आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए नहीं कि वो खर्च दूर नहीं किया जा सकते, बल्कि इसीलिए कि आप खुद उन खर्चों को करना चाहते हैं। यह ठीक है कि आप अपने मुश्किल समय के लिए पैसा बचाते हैं, जो कि बुद्धिमत्ता वाला काम है, लेकिन आज आप अपनी या अपने किसी खास व्यक्ति जो आपके बहुत निकट के हैं उनके लिए किसी छोटी सी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आज किसी काम में अच्छा मुनाफा होने की भी संभावना है, कोशिश करके ऑर्डर को समय पर पूरा करें, साथ ही इसकी क्वालिटी को भी उत्तम बनाकर रखें। अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय बहुत ही सहज रहना जरूरी है। बात करते हैं सेहत की। किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने पर लापरवाही बिल्कुल ना करें
और तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाएं। आपको कोई ऐसा दोस्त आज मिलेगा जो आपकी सब स्वास्थ्य आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। आपने अब तक कई बार बहुत गंभीरता से कई स्वास्थ्य संबंधित फैसले लिए हैं, परंतु आप उन पर चल नहीं पाती, बीच में ही छोड़ देते हैं। ये दोस्त आपको तय रूटीन पर बने रहने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा। आप एक साथ जिम शुरू कर सकते हैं या दौड़ने जा सकते हैं, लेकिन अगर आप आज से शुरुआत करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आप घर पर ही रहकर योग और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आज का उपाय, आज अब शनि भगवान जी की पूजा आराधना करें शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।